स्वागत है आपका इंटरप्रेटेक के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां मैं वीक से आपको रोजाना बताता हूँ टेक खबरों के बारे में। तो यार, जैसे आपको पता ही होगा, Realme 3 Pro फाइनली इतने लंबे वेट के बाद लॉन्च हो गया है और Redmi Note 7 Pro जो उसका बिगेस्ट कॉम्पिटिटर रहा है उसको टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यार, आप जानते हैं Realme 3 Pro क्या करती है, पहले से टेक रिव्यूअर्स को अपने फ़ोन दे देती है उनको रिव्यू करने के लिए। तो यार, काफ़ी टेक रिव्यूअर्स ने अपने वीडियो डाल दिए इस फ़ोन पर। तो आज मैंने यार मैं क्या किया ना, बैठ के देखा है काफ़ी सारे टेक रिव्यूअर्स के वो वीडियो, और मैंने फाइनली एनालाइज किया है कि यार Realme 3 Pro आखिर बेटर है Redmi Note 7 Pro से यार नहीं यार। तो यार, देर किस बात की, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro नेक्शन में कौन सा फोन बेटर है। तो यार फाइनली यार आ जाओ बस। तो यार, सबसे पहले बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो ऑब्वियसली इसमें Redmi Note 7 Pro बेटर है, बिकॉज Redmi Note 7 Pro में पीछे की तरफ Gorilla Glass 5 के साथ ग्लास पैनल आता है और जो Realme 3 Pro में प्लास्टिक की बैक है। बट यार, कुछ लोग प्लास्टिक की बैक प्रेफर करते हैं क्योंकि यार प्लास्टिक की बैक ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, क्योंकि ग्लास बैक ऐसे ही टूट जाता है। बट यार, एक और ख़राब बात है Realme 3 Pro की बैक में कि यार दिक्कत है ना, अभी ये जो प्लास्टिक है इसमें स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू सम टेक रिव्यूअर्स, जिनकी मैंने टेक वीडियोज़ देखे हैं। तो यार, ये प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का Realme 3 Pro ने नहीं लगाया। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यार बेटर है Redmi Note 7 Pro की। यार दूसरी बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले दोनों में Gorilla Glass 5 है, दोनों में 6.3 इंच का डिस्प्ले है। पर यार, मेरे को ना Realme 3 Pro का जो वाटर ड्रॉपलेट नॉच डिज़ाइन है ना, वो ज़्यादा बेटर लगा कंपेयर टू Redmi Note 7 Pro का यू शेप नॉच डिज़ाइन। यार वो आँखों में कम चुभता है यार, मैंने पर्सनली Redmi Note 7 Pro यूज़ किया, यार वो बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन देता है आँखों में और पर्सनली अच्छा नहीं लगता। तो मेरे को Realme 3 Pro का नॉच ज़्यादा अच्छा लगा जो वाटर ड्रॉपलेट। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो यार परफॉर्मेंस में दो एस्पेक्ट्स है, एक है डे टू डे परफॉर्मेंस और एक है गेमिंग के बारे में। तो यार, डे टू डे परफॉर्मेंस की बात करें, गीगबेंच स्कोर की बात करें, एंटूटू स्कोर की बात करें, तो उसमें यार थोड़ा सा बेटर Redmi Note 7 Pro। मतलब आप अगर ऐप लॉन्चेस करेंगे या आप अपना फ़ोन का डायलर खोलेंगे या कैमरा खोलेंगे, तो हल्का सा बेटर स्पीड आएगा Redmi Note 7 Pro में। बट जब आप गेमिंग की बात करते हैं तो यार Realme 3 Pro Redmi Note 7 Pro को बहुत पीछे कर देता है, क्योंकि यार इसमें 40% GPU का परफॉर्मेंस इंक्रीज रहा है 675 प्रोसेसर से 710 प्रोसेसर में। इसका मतलब ये है ओवरऑल आपके लिए गेमिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा स्मूथ रहेगी, FPS रेट जो उस गेम में आएंगे वो ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे Realme 3 Pro में। यार ये मतलब टेस्ट करके देख लिया गया है, काफ़ी रिव्यूअर्स ने टेस्ट करके देख लिया है और उस बेसिस में आपको बात बता रहा हूँ। ये कोई अब Realme 3 Pro के क्लेम करने की बात नहीं है, बट ये एग्जैक्टली प्रूव हो गया है कि Realme 3 Pro का प्रोसेसर गेमिंग के मामले में ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप PUBG खेलते हैं या Fortnite खेलना चाहते हैं तो यार ये फ़ोन ऑब्वियसली बेटर है यार, गेमिंग के मामले में बहुत ज़्यादा बेटर है। अब बात करते हैं बैटरी की, यार बैटरी की बात करें तो यार Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro में दोनों में 4000 mAh की बैटरी है। सॉरी Realme 3 Pro में 4045 mAh की बैटरी। शिट यार, मैं 45 mAh बता रहा हूँ, हर बार ये होता है। तो यार इसमें 4045 mAh की बैटरी है, तो यार ऑलमोस्ट सिमिलर बैटरी है। तो यार बैटरी में ना Redmi Note 7 Pro मात खा गया। सिंपल रीज़न ये है कि यार बैटरी लाइफ दोनों की सेम ही होगी, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह सबका सेम ही होगा दोनों का, बट वो फास्ट चार्ज, बाप रे बाप, 1 घंटा 20 मिनट में आपको 100% बैटरी। तो यार इससे बढ़िया क्या होगा यार, मतलब 14,000 के फ़ोन में आपको वो फास्ट चार्जिंग मिल रही है। तो यार मस्त बात है ना यार एकदम, कि मतलब आप अपना फ़ोन इतनी जल्दी चार्ज कर पा रहे हो। वहाँ जहाँ तक कि Redmi Note 7 Pro में यार 10 वॉट का चार्जर मिलता है बॉक्स में, जिससे आप इतनी फास्ट चार्जिंग कर नहीं सकते हो। तो यार उसमें 2 घंटा 20 मिनट, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा ज़्यादा लगता है यार। तो मतलब ऑब्वियसली यार Realme 3 Pro यहाँ पे डेफिनेटली एक विनर है। तो अगली बात आती है रैम की, तो रैम तो दोनों में सेम है, 4GB रैम और 64GB स्टोरेज, और दूसरे वाले मतलब बेस वर्जन में इतनी रैम है, दूसरे वाले वर्जन में जो एक अप वर्जन है उसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज। तो यार काफ़ी स्टैंडर्ड है, तो और आप अपनी स्टोरेज को जो है 256GB तक आप बढ़ा सकते हो मेमोरी कार्ड से। यार एक एडवांटेज है Realme 3 Pro के पास और, कि यार Redmi Note 7 Pro में ड्यूअल सिम हाइब्रिड स्लॉट है, मतलब आप दो सिम लगा सकते हैं या तो एक सिम और एक मेमोरी कार्ड, बल्कि Realme 3 Pro में आप दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। तो यार ये काफ़ी अच्छी बात है इंडियन कंज्यूमर्स के लिए जो दो दो 4G सिम यूज़ करते हैं, तो यार काफ़ी अच्छी बात है। एक और जो मेजर डिफरेंस है वो है कलर OS और MIUI में। तो यार
कलर ओएस और मी यूआई दोनों अपने अपने वर्जन से इनके सॉफ्टवेयर के। मेरी माने तो यार मैं तो स्टॉक एंड्रॉयड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, मैं ये दोनों वर्जन प्रेफर नहीं करता हूँ। बट यार इन दोनों में मेरे को पॉलिश ज़्यादा मी का यूआई लगता है, बाकी कलर ओएस मतलब टेक रिव्यूअर्स बताते हैं इतना अच्छा नहीं है, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस अभी लैकिंग है उसमें यार, उससे कंपैरिजन में मी यूआई ज़्यादा अच्छा है। तो यार कैमरा की बात करें तो प्राइमरी सेंसर रेडमी नोट 7 प्रो में है 48 मेगापिक्सल का और जो डेप्थ सेंसर है उसमें 5 मेगापिक्सल का, जहाँ की रियलमी 3 प्रो में जो है प्राइमरी कैमरा सेंसर है 16 मेगापिक्सल का और जो डेप्थ सेंसर है वो 5 मेगापिक्सल का है। तो यार कैमरा की बात करें तो अपनी अपनी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, मतलब रियलमी 3 प्रो का अभी स्टैंडर्ड मतलब सॉफ्टवेयर अभी ज़्यादा अपडेट्स आएंगे कैमरा सॉफ्टवेयर में, ऐसा रियलमी 3 प्रो मतलब रियलमी ने कहा है। बट अभी के अगर कंपैरिजन में देखें तो यार रियलमी 3 प्रो और रेडमी नोट 7 प्रो में मोर शार्पर फोटोज़ आती है रेडमी नोट 7 प्रो में, और यार नेचुरल कलर्स आते ज़्यादा रियलमी 3 प्रो में, क्योंकि शाओमी की जो फ़ोन्स हैं थोड़ा सा उसको सैचुरेट कर देते हैं कलर्स को। बट यार ये भी देखा गया है कि रियलमी 3 प्रो की फ़ोटोज़ में क्या बोलते हैं कुछ सिचुएशंस में इन फोटोज़ में सैचुरेशन ज़्यादा बढ़ा देता है रियलमी 3 प्रो, जिसकी वजह से बहुत अब्जर्ड फोटोज़ क्रिएट होती है। तो यार ज़्यादातर टेक व्यूअर्स ने यही कहा है कि रेडमी नोट 7 प्रो का कैमरा ओवरऑल ज़्यादा बेटर है। अब वीडियो की बात करें तो वीडियो में भी सेम रिजल्ट्स, वीडियो में भी रियलमी 3 प्रो में नेचुरल लाइटिंग में कलर वीडियो शूट होते हैं, बल्कि रेडमी नोट 7 प्रो में थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा के वीडियो शूट होते हैं। जहाँ तक स्टेबलाइजेशन की बात करें तो यार रेडमी नोट 7 प्रो का स्टेबलाइजेशन थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है रियलमी 3 प्रो से। तो यार कैमरा में मैं प्रेफर करूँगा ऑनेस्टली रेडमी नोट 7 प्रो को यार, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा सैचुरेटेड कलर ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यार डेफिनेटली अगर आप एक व्यूअर हो मतलब एक एवरेज कंज्यूमर हो तो आपको अगर पोस्ट करना है सोशल मीडिया पे डायरेक्टली विदाउट एडिटिंग तो आप प्रेफर करोगे थोड़ा सा सैचुरेशन ज़्यादा हो कलर्स में, तो वो ज़्यादा बेटर लगता है वीडियो। एक हुकुम का एक का है रियलमी 3 प्रो के हाथ में कि इनका जो कैमरा है वो 960fps पे स्लो मोशन रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, तो मतलब आप 32 टाइम्स वीडियो को ज़्यादा स्लो कर सकते हैं 32 टाइम्स। सो यार ये एक फ्लैगशिप लेवल फीचर है जो रियलमी 3 प्रो में भी दे दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। बट आई एम श्योर रेडमी नोट 7 प्रो इसके बेसिस पे एक स्टेप लेगा और मे बी वो अपने फ़ोन पे भी 960fps पे रिकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर दे। तो यार देखते हैं क्या होता है, बहुत बड़ा हुकुम का इक्का है रियलमी 3 प्रो के हाथ में। तो यार आप दोनों ही फ़ोन के साथ जा सकते हो, कहीं भी आप रॉन्ग नहीं जाओगे। बट मेरे को अगर पर्सनली कोई फ़ोन ख़रीदना होगा तो मैं शाओमी को ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, मैं रेडमी नोट 7 प्रो के साथ ही जाऊँगा। बट क्योंकि फ़ोन्स दोनों पे हाथ लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये ब्लाइंड सेल में मिल रहा है, रेडमी नोट 7 प्रो भी फ्लैश सेल में मिलता है, तो यार दोनों को ही हाथ लगाना मतलब दोनों को ही पाना थोड़ा मुश्किल काम है। तो यार बस यही एक दिक्कत है इन दोनों फ़ोन्स के साथ कि मतलब वो तो यार खरीदना चाहते हैं पर मिले तो, यही तो दिक्कत है। यार आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का अगर आप लाइक करते हो। मुझे कमेंट करके फीडबैक ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।